इंडिया दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मालवीय नगर विधानसभा। जिस तरीके से पार्टी में आरोप और विदारोप में लगाए जाते हैं, आज वहीं पार्टी ने जिस तरीके से भरोसा करके मालवीय नगर से अपना प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा को उतारा है। आज वहीं हमारे साथ मौजूद हैं उनके कार्यालय उद्घाटन पर जो जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष हैं तिवारी जी। तो हम तिवारी जी से बात करेंगे, जो हमें बताएंगे कि पार्टी ने किस तरीके से चुनावी रणनीति बना के मैदान में उतारा है। नहीं, रणनीति की क्या बात है, सर्वे हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से, सर्वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, जो काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाने की हमेशा कांग्रेस की नीति रही है। और अर्चना ने लगातार हारने के बावजूद, हार भी एक नहीं दो दो बार हारने के बाद में भी अगर कोई मनोबल नहीं तोड़ता है और लगातार जनता के बीच में, यही उसकी खूबसूरती थी कि वो निराश नहीं और अपने साथियों के साथ में लगातार भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में जहाँ कालीचरण सराफ जो राजस्थान में बड़ा नेता के रूप में जाने जाते हैं, बिना डरे बिना थके, और राहुल गांधी का वो एक वाक्य याद है कि डरो मत, और अर्चना ने बिना डरे जनता की सेवा का जो लक्ष्य था उसको पूरा किया। जननायक अशोक गहलोत ने जो गारंटी स्कीम देश में पहली बार लागू करी थी राजस्थान में, सामाजिक सुरक्षा का जो एक नया आयाम लेकर के आए, अर्चना ने हर पॉइंट पर चाहे 10 में जो भी हमारे पॉइंट थे घर घर तक पहुंचाया। राय शिविर में उन्होंने, उनके ब्लॉक अध्यक्षों ने, मंडल अध्यक्षों ने, वार्ड अध्यक्षों ने लगातार दस्तक दी कि कांग्रेस क्या लाभ दे रही है, चाहे बिजली के बिल की माफ की बात हो, चाहे 500 रुपए के सिलेंडर की बात हो, 1000 रुपए पेंशन की गारंटी योजना की बात हो, ओपीएस लागू करने वाले हमारे कर्मचारियों की बात हो, चाहे हमारे लंपी में जो हमारे गायों का या भैंसों का नुकसान हो, तो जो भी कोई सामाजिक सुरक्षा की बात थी, अर्चना लगातार अपने विधानसभा में निरंतर सक्रिय रही और लगभग 1000 से ज्यादा करोड़ का उन्होंने काम करवाया। जनता के लिए लाइटें लगवाई, ट्यूबवेल खुदवाए, सड़कें बनवाई, इंग्लिश स्कूल के महात्मा गांधी स्कूल खुलवाए, जो कुछ हमारे सामाजिक सुरक्षा के गारंटी स्कीम थी उसके लिए उसने अग्रणी रूप से काम। इस तरीके से तिवारी जी, देखा गया है कि अर्चना जी का काफी विरोध भी किया कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो कार्यकर्ता अब अर्चना जी ने उनको मनाया भी है, वो साथ भी हैं। जिस तरीके से अब बीजेपी की तरफ से वर्तमान में जो विधायक हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी से, तो ये किस तरीके से अपनी चुनौती होगी? कोई दिग्गज नहीं होता, मैंने इंदिरा गांधी को भी हारते हुए देखा, उनसे बड़ी तो कोई दिग्गज नहीं होती थी। जनता के राज में जनता जो फैसला करती है वो होता है। ये दिग्गज नेता 1985 में जयपुर में जो जय सियाराम के नारे के नाम पर लड़ते थे, 1985 में इसी दिग्गज नेता कालीचरण सराफ को हमने शाह तकियुद्दीन के सामने जौहरी बाजार विधानसभा से हारते हुए देखा। तो राजनीति में जनता दिग्गज है, जनता भाई बाप है, और जनता को जब सरकार कांग्रेस की उनको सहूलियतें दे रही है, उनके अनुरूप काम कर रहे हैं, 25 लाख रुपए का इलाज का हमने गारंटी स्कीम दी है, हमने 10 लाख रुपए को उस परिवार का हमने बीमा भी करवाया है, और वो भी अब 850 रुपए हम नहीं ले रहे हैं। नहीं तो पहले तो भाई 850 रुपए जमा करा करके 1 साल की आप उसमें भर सकते हो। तो जनता जो चाहती है, जनता को सहूलियत मिल रही है, हम उनको अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं। और इस मामले में अर्चना ने लगातार काम किया, घर घर दस्तक पहुंचाई है। आदमी नहीं जीता, पार्टी जीती, पार्टी ने काम किया। और रहा सवाल उन साथियों का, मैं जयपुर का अध्यक्ष हूँ, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी, चुनाव उनमें से भी लड़ते तो अर्चना काम करती, पार्टी एक उम्मीदवार बनाती, अर्चना पर विश्वास किया, अर्चना के साथ में उनको काम करना चाहिए। मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरी बात जाए आप लौट आओ अपने घर से। और फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस में जिस दिन फैसला होता है 2-4 दिन तो रूठना मनाना होता है, लेकिन अंततः कहता है, चाहे हमारे छोटे साथी हों चाहे हमारे बड़े साथी हों, अर्चना के साथ में कांग्रेस को बुलंद करेंगे। कांग्रेस जीतेगी तो हम सबका भविष्य है, और कांग्रेस हारेगी तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। हम सबका भविष्य कांग्रेस के साथ जुड़ा है, लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा,
गारंटी मिश्रमों को चलाना, तो अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री आज देश में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जो 2030 का विजन ले रहे हैं। 2030 में राजस्थान को देश में नंबर वन का जो राज बनाने की कल्पना कर रहे हैं, वो अशोक गहलोत के साथ ही है, कांग्रेस के साथ ही है, राहुल गांधी के साथ ही है। हम सब मिलकर के राजस्थान को जिताएंगे, ऐसा मेरे तिवारी जी। जिस तरीके से अभी पार्टियों में काफी खींचातानी चल रही है कि सीएम कौन बनेगा, तो आपकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा अभी लग रहा है कि पार्टी अब सीएम चेहरा किसको ला सकती है? अरे तो आईने की तरह साफ है, राजस्थान में सरकार का लक्ष्य ये कि हमारी गारंटी स्कीमें कौन लागू करेगा। हमारे पास में मुख्यमंत्री का चेहरा है, वर्तमान में अशोक गहलोत हमारे हैं, जिन्होंने देश में नंबर एक पे काम किया। तो आम आदमी जानता कि अशोक गहलोत को वापस लाना है। वैसे फैसला मैं हाईकमान का ही होता है, लेकिन हाईकमान को भी मालूम है कि 10 गारंटी स्कीमों के आधार पर इसी तरीके से अभी सचिन पायलट जी भी अपने दावेदारी में लगे हुए हैं, और इधर गहलोत जी वर्तमान में सीएम रहते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में दावेदार। देखो, कांग्रेस लोकतंत्र की जनक है। देश में अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, वो भी कांग्रेस के कारण से बने, नहीं तो आज जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी का अगर शुरू से राज होता तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता। सचिन पायलट जी भी कह रहे हैं, वो भी तो ये कह रहे हैं भाई हाईकमान फैसला करेगा, लेकिन हाईकमान को दिख रहा है कि जब हम हिमाचल में इन योजनाओं के आधार पर जीत हासिल करते हैं, हम तेलंगाना में, अब ये जो कर्नाटक में हमने जीत हासिल करी, तो यही तो गारंटी स्कीम है। तो आईने की तरफ साफ है, राजस्थान का मतदाता देख रहा है कि